तो स्वागत है आपका आरएस ऑटोमोबाइल वालों यूट्यूब चैनल में। ये है महिंद्रा बोलेरो। ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये एक लोगों का फीलिंग है। ये गांव के रास्तों और हिल्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बिकॉज इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस और बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है ना, ये उन रोड कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं इस बोलेरो का डिटेल्स एंड एवरीथिंग, मतलब हर जगह से सब कुछ। आप इस बोलेरो को हम आप लोगों से दिखाने वाले हैं। तो पहले तो इसका लोगो सेंस किया गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये इसका न्यू लोगो, इसमें हेलोजन हेडलाइट्स मिलते हैं, यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है जो कि बहुत अच्छा लगता है। 15 इंच के ये स्टील व्हील्स मिलते हैं। ये 2022 का नया मॉडल है और इसमें अभी तक फुट गार्ड मिला नहीं है हमको, तो इसका नंबर प्लेट भी अभी नहीं आया। और इसका फ्रंट बम्पर पूरा मेटल का है, पूरा मेटल का बम्पर है। ये आपके आपको इंडिकेटर्स याद दिए गए हैं और फ्रंट में इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इधर यहाँ पे पार्किंग लाइट दिए गए और ये मेन हेडलाइट। कंपनी का दावा है कि इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। सस्पेंशन भी बहुत अच्छे है इसके, पूरा बॉडी लोहे का बॉडी है। एक्सटीरियर में आपको ज़्यादा आगे पीछे नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारा गेट बंद है अभी, तो वहाँ पर रिफ्रिल्स डायरेक्ट कंपनी से आ गया है, तो हमने यहाँ पे लगाया। तो आपके व्हील्स स्टील व्हील्स मिलते हैं, स्टील रिम्स, बहुत अच्छा गाड़ी है। अब आपको अंदर में इंटीरियर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है देखने में। तो उसको खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटीरियर है। और हम जहाँ पे सामने घुसाते हैं वहाँ पे यहाँ पे लाइट बहुत डिजाइन के साथ लाइट दिया गया है ताकि हम रात को चाबी खो, मतलब जहाँ पे हम चाबी डालते हैं वो रात को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉगलाइट के बटन्स दिए गए हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन, मतलब ये काम नहीं करता, काम करता है पर ये जब क्लच दबाते हैं तो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, इसके लिए दिया गया है। हैंडल में इसका न्यू लोगो दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है ये लोगो। इसका सीट्स बहुत अच्छा है, अभी तक ये पे सीट कवर्स नहीं लगाया गया है। और यहाँ पे इस बोलेरो के सेंट्रल एसी है, मतलब आगे हमको जितना ठंडा मिलता है ना वो पीछे वाले में जो बैठेगा उसे भी उतना ही ठंडा लगेगा। तो यहाँ पे ये गियर दिया गया है, 5-speed मैनुअल गियर है ये। और यहाँ पे एसी फैंस दिया गया है, 1-2 इधर एक और उधर एक। और पहले 2021 के बोलेरो में सिर्फ हैंडल के, मतलब जो ड्राइवर है वहाँ पे एयरबैग दिया गया था, पर अभी ड्राइवर के पास को पैसेंजर के पास भी एयरबैग दिया गया है। ये ग्लव बॉक्स दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है, रखने के लिए 2 bottle holders, रखने के लिए 2 bottle space दिया गया है। विंडोज का कंट्रोल हमें सिर्फ यह मिलता है, बाकी दरवाजे में नहीं मिलता, बाकी पीछे के दरवाजे में मिलता है, पर इस दरवाजे में कोई स्विच बटन नहीं मिलता है। यहाँ पे दिए गए विंडोज के बटन, ये बोतल आप लोग रख सकते हो, बाकी ये 12 volt का ये सकेट दिए गए है मोबाइल वगैरह सर्च करने के लिए। ये क्यूट कंपनी का, केनूट कंपनी का स्पीकर दिए गए है। इंटीरियर है ये इस बोलेरो का, और आपको कुछ इस तरीके का साबी मिलता है इस गाड़ी पे। यहाँ पे अनलॉक का बटन है, यहाँ पे हजार्ड लाइट्स का और यहाँ पे लॉक का, बाकी सब कुछ नॉर्मल है इस गाड़ी में। जो कि ये गाड़ी इसके 3 models आते हैं इस गाड़ी में, तो सबसे नीचे वाला मॉडल है B4, उसके ऊपर है B6 और हमारा ये है B6 ऑप्शनल, तो ये थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। 11,50,000 rupees इस गाड़ी में लग जाते हैं ऑन रोड प्राइस। तो अच्छा गाड़ी है, बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है, मतलब इसके बिल क्वालिटी पूरा मेटल है, मतलब सारा बॉडी इसका मेटल है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है महिंद्रा कंपनी से। अब आते हैं पीछे की सीट में। तो सीट को ओपन किया हमने, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे विंडोज के कंट्रोल पीछे में दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है। और बाकी ये बहुत छोटा गाड़ी है,
तो फूड ट्रेस बहुत ज़रूरी है इसमें लगाना। तो हम लगाने की सोच रहे हैं पर कंपनी से अभी तक आया नहीं। तो ये सीट्स में बहुत अच्छा सीट है, यहाँ पे सीट बेल्ट्स, उधर सीट बेल्ट दिया गया है बहुत लंबा लंबा। यहाँ पे ये आर्म रेस्ट दिया गया है जो कि अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पे आप लोग बोतल वगैरह कुछ रख सकते हो, पर यहाँ पे ना रखो तो ये अच्छा है क्योंकि ये बहुत लूज हो जाता है बोतल रखने से। ये हेडरेस्ट दिया गया है जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पे और पीछे भी दिया गया है, तो पीछे के सीट्स को आप दिखा देता हूँ मैं। तो पीछे के सीट्स कुछ ऐसे सीट्स है पीछे के, तो आप यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हैं, और अगर कोई नहीं बैठना चाहता है तो सीट को ऐसे उठा के ये जो है इससे आप बांध कर रख सकते हैं। ऐसे कर दिया, उसके बाद इसे ऐसे लगा दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए। नया गाड़ी है तो थोड़ा टाइट हो गया, ये गाड़ी नहीं है तो थोड़ा टाइट है ये रॉड। तो यहाँ पे बैठ लीजिए आप और यहाँ पे सामान वगैरह साइड में रख दीजिए। बहुत अच्छा गाड़ी है, और पीछे के दरवाजे में स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको, यहाँ पे लाइट मिल जाता है, ये भी लाइट मिल जाता है जो ब्रेक मारने में लाइट जल जाता है। मिरर में ये एक लाइट मिल जाता है, जब ये हम मिडिल में रखेंगे तो जब दरवाजा खोलेंगे तो जल जाएगा, और ऑन करने से अभी नहीं हुआ है क्योंकि साबी नहीं डाला है हमने, तो साबी डालने से ये ऑन हो जाता है। उसके बाद ये सीट्स बहुत अच्छा सीट्स है, मतलब ये ऑल राउंडर गाड़ी बहुत अच्छा है, नो कंप्लेन है इस गाड़ी में, एक कंप्लेन भी नहीं है अब तक इस गाड़ी पे। सेफ्टी दिया गया है अच्छी तरीके से, तो एयरबैग मिल गए अभी। और गस इस गाड़ी में ये अभी आपको डिजिटल मीटर दिया गया है जो कि डिजिटल है। अब ये साबी में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे मैं साबी लगाने वाला हूँ, अभी थोड़ा घुमा दिया, साउंड करने लगा क्योंकि दरवाजा बंद है, तो टिक 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 साउंड होने लगा। और ये जब मैं दरवाजा बंद करने वाला हूँ तब साउंड बंद हो जाएगा, आप लोग देखना बंद हो गया साउंड। और ये मीटर डीजल मीटर है, ये देखिए सब कुछ आता है यहाँ पे। अभी गाड़ी गियर में है इसलिए पे गियर दिखा रहा है, तो सारा कुछ अच्छे तरीके से सेट किया गया है इस गाड़ी पर। ये प्लास्टिक थोड़ा अच्छा नहीं है, ये प्लास्टिक थोड़ा हिलता है, मतलब फ्लेक्सिबल की तरह है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरह है, तो थोड़ा पोर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया है। बाकी बाहर से तो सब कुछ एकदम टाइट एंड रफ एंड टफ है। तो मैं आपको बाहर जाकर थोड़ा दिखा देता हूँ। और गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, बहुत लोग बोलते हैं कि ये हैंडल का काम क्या है, बहुत लोग नहीं जानते हैं और बोलते हैं कि इस हैंडल का काम क्या है, ये ऐसे यूजलेस है। पर मैं बता दूं ये यूजलेस हैंडल नहीं है। जो आदमी 4 फुट मतलब जो मतलब छोटे बच्चे कम हाइट के बच्चे होते हैं, कोई ये गाड़ी बहुत छोटा गाड़ी है, तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे उठ नहीं सकते, तो वो लोग क्या करेंगे, इधर पकड़ेंगे, इधर पैर देके इधर ऐसे उठ जाएंगे। तो महिंद्रा ने इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक हैंडल दे दिया है। तो महिंद्रा कंपनी ऐसे ही ये सब नहीं देता है, इसके अंदर कुछ हिस्सा ज़रूर होता है। तो गाड़ी में स्टिकर्स लगाया गया है, ये B6 ऑप्शनल का स्टिकर नहीं लगा है, बोलर B6 लिखा हुआ है, ये बाकी सब स्टिकर, ये नया लुक स्टिकर लिखा है। और पीछे के साइड भी एक वाइपर मिल जाता है, मैंने आपको बोला था कि हमारा B6 ऑप्शनल है, सिर्फ B6 ऑप्शनल में यहाँ पे वाइपर्स मिलते हैं, B6 और B4 में यहाँ पे वाइपर्स नहीं मिलते। तो ये गाड़ी बहुत अच्छा गाड़ी है, आप लोग परचेस कर सकते हैं अगर आपका बजट 12 लाख के अंदर है। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि बम्पर्स मेटल के बम्पर्स हैं, ये मेटल्स के बम्पर है, बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो एंड करते हैं, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो। जय हिंद।